हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा टेनिस बॉल से जब भी आप बैटिंग करते हो तो बैकलिफ्ट का क्या रोल है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत भाई पूछ रहे थे, भैया हम बैकलिफ्ट कहाँ रखें जब भी हम बैटिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो बैकलिफ्ट कहाँ रखें, मतलब जब बैट पकड़ते हैं तो यहाँ रखें, यहाँ पर रखें, कहाँ पर रखें। तो ये आज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी तरह स्टांस लोगे, अच्छी तरह अपनी बैकलिफ्ट रखोगे, उसी के बाद आपको कम्फर्टेबल फील होगा, उसी के बाद आप अच्छे रन मारोगे, उसी के बाद आप सिक्स भी लगाओगे। तो यही फायदा होता है, बैकलिफ्ट कंफर्ट होना चाहिए मतलब। तो आज मैं बताऊंगा क्या बैकलिफ्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो भी मैं आज आपको बैकलिफ्ट के लिए बातें बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। और फिर दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बैकलिफ्ट के लिए लास्ट वीडियो होगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि रखना कहाँ है जब भी आप बैटिंग करोगे। तो ये मैंने सेटअप लगाया हुआ है अपना, देख सकते हो। तो जब भी आप स्टांस लोगे, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, अपना जो आपका स्टांस है वो कंफर्ट जोन में होना चाहिए, मतलब आपका वेट दोनों पैरों पे होगा, ना कि आप इधर गिर रहे हो या इधर गिर रहे हो, सबसे ज़रूरी ये है। और बैकलिफ्ट के लिए सबसे ज़रूरी बैट पकड़ना होता है। अगर बैट आप सही से पकड़ोगे, जब भी बैकलिफ्ट आपके ऊपर नीचे जाएगी, अगर बैट ही आपने गलत पकड़ा हुआ है तो बैकलिफ्ट का कुछ फायदा नहीं है। तो बैट पकड़ना कैसे है, बैट सिंपल सा तरीका मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में बताया हुआ है। आपके जैसे ये वी है तो आप वी मिला के ऐसे बैट पकड़ सकते हो, और आप दोनों हाथ टाइट भी रख सकते हो, क्योंकि टेनिस से ज़्यादा कम ओवर का मैच होता है, मतलब ज़्यादा ओवर का नहीं होता है, तो हमें मारना ही पड़ता है। तो आप ऐसे रख सकते हो जैसे मैंने आपको ये रखा हुआ है, दोनों हाथ टाइट कर सकते हो। तो टाइट करते हुए कैसे करना है, बैकलिफ्ट अब आती है आपकी। हाँ, आपने स्टांस लिया तो बैकलिफ्ट, गाइज कोई प्लेयर यहाँ पर रखते हैं, आपने देखा होगा टेनिस से यहाँ से यहीं से मारने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लेयर ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो आपको बता दूँ रखने का है, जैसे ये हमारा स्टम है, ये स्टम है, और गाइज आपको रखनी है, कोशिश करनी है स्टम से थोड़ा ऊपर ही है। जैसे ये स्टम है, यहाँ पे आप एरिया लगा सकते हो, स्टम से तो थोड़ा ऊपर रखनी है बस, ये छोटा सा एरिया आपको लगाना है। और मेन काम कहाँ आता है बैकलिफ्ट का, बैकलिफ्ट का काम आता है जब आप शॉट लगाने जा रहे हो, तो उस टाइम आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए बैकलिफ्ट, अगर आपको अच्छे लंबे शॉट लगाने। कैसे, जैसे बॉल आने वाली है, बॉल पिच हो गया, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है जब आप पैर निकालोगे तो बैकलिफ्ट आपकी ये जाएगी ऊपर। ये अगर ऊपर जाएगी जब भी जाके लंबे छक्के लगेंगे, जब भी जाके बॉल मिडिल होगी, अगर बैकलिफ्ट नीचे है उस टाइम भी अगर आप स्टांस ले रहे हो, बॉल वहाँ पे पिच होगी, उस टाइम भी आपकी बैकलिफ्ट यही है। तो गाइस स्विंग होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप छक्के लंबे मार ही नहीं सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैकलिफ्ट, तो इसलिए बता रहा हूँ, जब भी बॉल आपने सोचा पिच हो लिया, पीछे पिच हो रहा है, शॉर्ट बॉल है, कुछ भी है, तो आपको कोशिश करनी है कि बैकलिफ्ट आपकी हाई जाएगी। आपको दिख गया कि आगे आपने स्टांस लिया हुआ है, बॉल पिच होगी, इसके बाद ये बैकलिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी, जैसे मेरी दिख रही है। उसके बाद टाइम क्या मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा आपको देख लो, टाइम इतना मिल रहा है यहाँ से, जब आप स्विंग करोगे अच्छा पावर लगेगा, जब यहाँ से आप पूरा स्विंग करोगे तो पावर अच्छा लगेगा, और बॉल भी बहुत ज़्यादा दूर जाएगा और बहुत लंबे लंबे छक्के जाएंगे। तो बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे रखना। अब आपको बता दूँ एक और इंपॉर्टेंट बात, और गाइस जब भी आप बैट ऊपर उठाओगे तो ध्यान आपको क्या रखना है, आपका फेस ज़्यादा ऐसे ओपन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्लोज होगा तो यहाँ पे आके नहीं लगेगा, ये भी ज़रूरी बात है। तो बैकलिफ्ट ऊपर उठाओगे तो आपके शेप होना चाहिए, मतलब हाथ आपके वी ऐसे होने चाहिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब बैट पकड़ोगे, इसलिए पहले ही बताया था। तो आपके ये ऐसे होना चाहिए, आपको ये नहीं कि आप ज़्यादा ओपन करोगे तो यहाँ पे ये बॉल खड़े होने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा क्लोज करोगे तो यहाँ पे मिडिल नहीं होगा। बैकलिफ्ट का इतना है गाइज, अगर बैकलिफ्ट आप अच्छी ऊपर रखोगे तो शॉट गारंटेड दूर जाएंगे, लंबे जाएंगे, और कनेक्ट भी अच्छा होगा। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपना बैकलिफ्ट। तो आपने स्टांस लिया, ऊपर रखा, और सबसे ज़रूरी गाइज ये भी है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकलिफ्ट आपको पहले ही ऊपर नहीं उठानी, मतलब अपनी बैकलिफ्ट जब आप स्टांस ले रहे हो ना तो पहले ही आपको ऐसे उठा के नहीं खड़ा होना। उठा सकते हैं, बहुत प्लेयर उठाते हैं, पर आपको जो मेन काम होगा जैसे मैंने आपको बताया, आपको जब बॉल पिच कर देगी, जब आपको लग रहा है कि पिच होने वाली, उस टाइम आपको तो रेडी रहना, उस टाइम आपकी बैकलिफ्ट ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ से मिडिल करोगे तो बैट भी पूरा फिनिश करना है आपको, यहाँ से जब आप बॉल लगेगी बैट से तो पूरा फिनिश होगा, जैसे ये हो रहा है। आपको ड्रिल बता रहा हूँ बैकलिफ्ट के लिए, आप घर में कर सकते हो आराम से, घर में आपको सिर्फ बैट चाहिए और आराम से आपकी ड्रिल हो जाएगी। क्या करना है आपको, पहले वन पे आपको स्टांस लेना है, मन में काउंट करना है, वन पे आपका स्टांस हो गया जैसे मैं खड़ा हूँ, टू पे आपको क्या करना है, अपनी बैकलिफ्ट ऊपर जाएगी ऐसे, और ये पैर निकलेगा जैसे मैंने निकाला हुआ है, और आपका हेड भी आगे आएगा, हेड भी आपको आगे करना है, और कोशिश करनी है एक लाइन में रहे तीनों चीज़, जैसे वन पे मैं यहाँ गया और टू पे आपको बॉल यहाँ पे चाहिए, तीनों चीज़ एक लाइन में, जितना आप ऊपर चढ़ोगे बॉल के इस एरिया में, बोले जितना आप ऊपर चढ़ोगे उतना अच्छा बैट पे बॉल लगेगा। और बैकलिफ्ट जब हाई रहेगी तो ये देखिए यहाँ पे पड़ रही है, तो गाइस कितना टाइम लग रहा है बैट को आने में, मतलब अगर आप पूरी फोर्स से यहाँ से बैट लाओगे तो कितना दूर जाएगा, क्योंकि पीछे से जब आएगा ना तो बैट जब भी तो स्विंग होगा, एक अच्छा स्विंग होगा, बैट स्विंग बोलते हैं जिसे, वो अच्छा स्विंग होगा, देख सकते हैं कितना स्विंग हो रहा है। अगर आप यहाँ से इसको कर रहे हो, यहाँ से मार रहे हो, तो ये स्विंग नहीं होगा। ये बातें क्यों बता रहा हूँ गाइस, बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबे छक्के मारने, अच्छी बैटिंग करनी, अच्छा बैट्समैन बनना है। टेनिस से ज़्यादा कोई आपको ये बातें नहीं बताता, पर मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल सा तरीका है, तो ये अच्छा है डिफेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ से आपका हो गया वन, और टू पे आपकी बैकलिफ्ट आई, देखिए गाइस बैकलिफ्ट कितनी आई है,
और पैर कैसे उठा हुआ है, थ्री पे आ गया आपका डिफेंस, पूरा बॉडी वेट आ गया। तो ये है सिंपल सी ड्रिल, आप इसके ड्राइव भी जब लोफ्टेड मारने जब भी कर सकते हैं, और पीछे के लिए बैकफुट के लिए भी यही करना है। जैसे बोला ही पीछे तो बैकलिफ्ट देखे गाइज हाई है, बैकलिफ्ट का यही बहुत बड़ा रोल है अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है। सीधी सी बात, अगर आपको ड्रिल भी नहीं करनी जब आप बैटिंग कर रहे हो तो उस टाइम ये अपनी हाई रखो, जब भी बॉल पिच होने वाली हो तो बहुत मज़ा आएगा खेलने में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, और कुछ भी हेल्प होती है तो बताया करो गाइस, अच्छा लगता है मुझे भी, कमेंट भी करो नीचे कुछ भी आपकी क्वेरी हो। इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पे भी जाके सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।